समय बीता। अब समय बीतने पर लाला लगभग एक वर्ष के हो गए हैं और नंद बाबा को चिंता सताने लगी। अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय गृह आयो, नामकरणो सो कियो, मुख में विश्व दिखाय। चिंता सताने लगी। चिंता किस बात की? कहा चिंता इस बात की कि लाला एक वर्ष को है गयो और अब तक लाला को नामकरण संस्कार ना हुए। अब उसी समय यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं निर्माता थे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं मथुरा से वृंदावन। नंद बाबा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया है, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार कराने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी बोले, नामकरण तो करा दूंगा लेकिन आपके घर में नहीं कराऊंगा, गौशाला में कराऊंगा नामकरण। गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई। ध्यान रखिएगा, इस जीव का जीवन गाय से शुरू होता है और गाय पे समाप्त हो जाता है। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो गाय का दूध पी के बड़े होते हैं, जब हम मरते हैं तो मरने के बाद हमारी हड्डियों अस्थियों को गौशाला में रखा जाता है, उसके बाद गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने जब 33 कोटि देवताओं को गौ माता में स्थान दिया तो उस समय मां लक्ष्मी को आने में कुछ विलंब हुआ। आई देर से और कहती है, मुझे भी गाय में स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसी तो कोई जगह नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, आप देर से आई हो देवी जी। मैया कहती है, मुझे तो चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जगह तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस स्थान पर आप रहना पसंद करोगी। जगह कौन सी? कहा, गौ माता का गोबर। रहोगी गाय के गोबर में? लक्ष्मी मैया कहती, बिल्कुल रहूंगी गाय के गोबर में। और उस दिन से लक्ष्मी मैया का निवास स्थान बन गया गौ माता का गोबर। इसलिए आज भी हमारे घरों को गाय के गोबर से, हमारे घर भले पक्के बन गए हों लेकिन हमारे घरों को गौ माता के गोबर से लीपा जाता है। साथ ही साथ एक बात और, हम जब पूजन पाठ का काम कोई अनुष्ठान कराते हैं तो पूजन के कक्ष को थोड़े से गोबर डाल के उस कक्ष को लीपते हैं, फिर भगवान का आसन देते हैं, क्योंकि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का स्थान दिया गया। साथ ही साथ हमारे भारत में तो एक बड़ी सुंदर परंपरा रही है कि हमारे घर में रसोई में जब माताएं रोटियां बनाती हैं तो पहली रोटी गाय के नाम की या गाय के लिए निकालती हैं माताएं। आप निकालती हो प्रतिदिन? कौन निकालता है? हाथ खड़े करो, मतलब जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं निकालते। जो निकालते हैं ठीक है, और जो नहीं निकालते कि भैया एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तो बना लिया करे, कोई बड़ी बात नहीं है। गौ माता के लिए यदि रोटी निकालने से एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा के भंडार भरे रहेंगे। इसलिए जब भोजन बनाओ तो आखिरी रोटी नहीं, पहली रोटी किसे? गौ माता को। हमारे भारत में ये परंपरा रही है, आज से नहीं पहले से। हमारे घरों में भी माताएं रोटियां बनाती हैं तो पहली रोटी गौ की, बाद में फिर सबकी। गौ माता में 33 कोटि देवताएं, गौ माता ने खा लिया, सबको भोग लग गया। फिर एक बार हम भोग लगाने में चूक जाएं तो भी कोई बात नहीं, लगाना तो चाहिए, पर मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, गौ माता ने खाया, सबने खाया। तो पहली रोटी किसकी? गाय की। दूसरी बात, एक चीज और,
गौशाला नहीं उपाय, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। समझ गए? हाँ या ना? नहीं समझे? कहने का मतलब मेरा ये है कि आज गली गली गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उसके बाद भी गाय की स्थिति बड़ी दयनीय है, तो गौशाला उपाय नहीं है गाय की रक्षा का। गाय की रक्षा का उपाय ये है कि एक हिंदू के घर में एक गाय होनी ही चाहिए। हम कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, चूहा पालें, शेर पाल लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक हिंदू एक गाय गौशाला नहीं उपाय। एक हिंदू के घर में एक गाय का होना बहुत जरूरी है। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि जिस घर में गौ माता होती हैं, उस घर में यदि किसी ने जादू टोने का टोटके का प्रयोग, जादू टोना समझते हो ना, जादू टोना टोटके का प्रयोग यदि किसी ने कर दिया है तो गाय उस जादू टोने को अपने ऊपर ले लेती, खुद मर जाती है, लेकिन घर के मालिक को बचा लेती। ये गाय की करुणा है। इसलिए भैया गौशालाएं तो खुली हैं, गौशालाओं में भी बहुत सी गायें हैं, उसके बाद भी गाय गली गली घूम रही हैं, भटक रही हैं, गाय काटी जा रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम गाय को पालें केवल दूध घी पाने के लिए नहीं। जब तक दूध घी दे रही है तो अच्छी बात है, जब वो बूढ़ी हो गई है तो क्या करते हैं लोग, गाय ने दूध घी देना बंद किया तो हमने भी गाय को घर से बाहर निकाला। अब वो मरे, जिए, सड़े, कुछ भी हो, ऐसा नहीं। गाय दूध घी दे तो हमारी, और गाय कुछ भी ना दे तो हमारी। हम कुत्ता पालते हैं ना, पालते हैं या नहीं? क्या देता है वो? पॉटी देता है ना, और क्या देता है? अब उसको हिंदी में हम बोल नहीं सकते, बुरा लगेगा सुनने में। आप मन में सोच लो कि हमने बोल दिया। कुत्ता क्या देता है? वही। और गाय क्या देती है? गोबर। और गोबर से क्या बनते हैं? कंडे, उपले, चूल्हे। आज भी गांव में जलाए जाते हैं तो चूल्हे पे ही तो रोटियां बनती हैं, कंडे से हवन होता है। गाय क्या देती है? गोबर। गोबर से क्या होता है? घर के आंगन को लीप देते हैं। कुत्ते की पॉटी से लीपोगे? लीपोगे नहीं ना, छियोगे भी नहीं। गाय के गोबर को तो हाथ से उठा लेते हैं, उठाते हैं या नहीं? और फिर ऐसे ही पानी से हाथ धोए, साबुन से भी नहीं, और खाना खाने लगते। क्यों? क्योंकि उसमें अपवित्रता नहीं समझ में आती। हम गाय के गोबर को पवित्र मानते हैं, घर के आंगन को लीपते हैं, यहां तक कि पहले तो रसोई को भी गाय के गोबर से लीपा जाता था। हम गांव के वासी हैं, गाय के गोबर से अपने घर की रसोई को, चूल्हे को लीपते थे या नहीं? लीपते थे। गौमूत्र का पान करते थे, आज भी करते हैं। गाय दूध दे, दूध से दही बने, दूध से छाछ बने, मतलब दही से, उसी से माखन बने, उसी से घी बने। गाय का गोबर उपयोगी, गाय का मूत्र उपयोगी, और शास्त्र कहते हैं गौ सेवा करने का फल भी बड़ा मिलता है। और ऐसी गाय को हम पालते नहीं है। गाय घर में और बूढ़ी हो गई, मान लो दूध दूध देना बंद कर दिया तो हम उसको छोड़ देते, कुत्ता की सेवा करते, उसको पालते। चलो पालो, मैं ये नहीं कहती सब जानवर भगवान ने बनाए सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन गाय को हमारी संस्कृति में जानवर नहीं कहा गया है, माँ कहा गया है। ठीक है, माँ की तरह मत करो, पर एक इंसानियत के नाते यदि गाय घर में है तो उसकी सेवा करो। आज कुत्ता है, उसको नहलाएंगे शैंपू से, उसको खिलाएंगे हाथों से, उसको अपने बिस्तर में सुलाएंगे, कुत्ते को घुमाने ले जाएंगे। अब समझ में नहीं आता कि मैडम जी कुत्ते को घुमा रही है कि कुत्ता मैडम जी को घुमा रहा है, यही समझ में नहीं आता। तो गौ माता को हम पालें, गौ पालन करें। गाय के ऊपर हाथ यदि फेरा जाए 10 मिनट, ध्यान रखना, गौ माता के ऊपर यदि 10 मिनट हाथ फेर दिया जाए तो एक सकारात्मक
ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखो अर्थ का अनर्थ मत निकालो। आज लोग बड़े जानवर प्रेमी हैं, मैं भी प्रेम करती हूँ, मुझे भी कुत्ते अच्छे लगते हैं, अच्छे होते हैं, छोटे छोटे सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुत्ता सिर्फ जानवर है, पर गाय हमारे भारत में माँ है, माँ का सम्मान हम गाय को देते हैं। ये वही धरती है जहां पर भगवान कृष्ण को भी गौ पालन के कारण गोपाल कहा गया, गौ पालन के कारण गोविंद कहा गया। ये गोविंद और गोपाल की भूमि है और इस भूमि में हम गाय का तिरस्कार कर रहे हैं, हम गाय को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। कसाई गाय को ले जाते हैं, उस पर गरम गरम खौलता पानी डालते हैं, उसकी चमड़ी को निकालते हैं, उसको काटते हैं और उसको खाते भी हैं और बेचते भी। ऐसा संहार गायों का किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है आप जागिए, थोड़ा सोते मत रहो, ये घर गृहस्थी तो जिंदगी भर लगी रहेगी, यही काम है, खाना सोना खाना सोना खाना। बताओ जिंदगी में कुछ नया करते हो तो? सोते हो खाते हो उठ जाते हो, सोते हो खाते हो उठ जाते हो, फिर कमा लेते हो, फिर कहीं घूमने घामने चले गए, फिर आए तो फिर वही करना। थोड़ी जागो, थोड़ी एनर्जी लाओ, थोड़े एक्टिव हो जाओ, थोड़ा अच्छा सोचने लगो। माताएं तो पता नहीं क्या कर ले, माताओं को कुछ चाहिए होता तो लड़ लड़ के अपनी बात पति से मनवा लेती। यदि वही माँ चाह ले कि हमको गाय में, हमको घर में गाय चाहिए, तो क्या नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। आप भले बहाने कर लो, हार और चूड़ियां और अंगूठी और बाले चाहिए होते हैं तो इतना लड़ेंगी मुंह फुला के घूमती रहेंगी। तो वैसे ही मुंह फुला के घूमो ना कभी गऊ के लिए कि हमको घर पे गाय चाहिए, हमको गाय का शुद्ध घी चाहिए, हमको अपने बच्चे को शुद्ध दूध पिलाना है, शुद्ध घी देना है, आज सब मिलावटी आ रहा है। ऐसा करो ना, ऑर्गेनिक चाहिए हमको सब। जब सब मनवा लेती हो तो ये भी मनवा सकती हो कि हमको घर में एक गाय चाहिए, तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय।